गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मोस्ट वेलकम टू द स्टडी पावर। आज इस वीडियो में हम आरआरबी जेई की आपकी मेंस की परीक्षा के जनरल अवेयरनेस की क्लास 2 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप लोग पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आंसर को देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? हमारे देश में जो भी रेलवे जोन्स हैं उसमें सबसे बड़ा रेलवे जोन है नॉर्दर्न रेलवेज। तो नॉर्दर्न रेलवेज जो है वह हमारे देश का लॉन्गेस्ट रेलवे जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस दैट कनेक्ट्स न्यू दिल्ली विद अदर लार्जेस्ट सिटीज वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। तो आपको बताना है कि सबसे आज तक की जो सबसे पहली एक्सप्रेस जो कि हमारी न्यू दिल्ली से अदर सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं, वह राजधानी एक्सप्रेस पहली कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस की गई थी? तो ये है 1969 में। तो 1969 में राजधानी एक्सप्रेस हमारे देश की जो कि न्यू दिल्ली से अदर सिटीज़ को कनेक्ट करती थी, ये लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRCTC सब्सिडियरी ऑफ इंडियन रेलवेज दैट हैंडल्स कैटरिंग टूरिज्म एंड ऑनलाइन टिकेटिंग ऑपरेशन इज हेडक्वार्टर इन। तो IRCTC जो कि हमारे इंडियन रेलवेज की एक सब्सिडियरी है यानी कि इंडियन रेलवेज का एक पार्ट है, ये हमारे देश की जो रेलवेज हैं उसकी जो कैटरिंग होती हैं, टूरिज़्म होता है और ऑनलाइन टिकट बुकिंग जो स्टार्ट हुई है इन सभी चीज़ों को हैंडल करती हैं। तो IRCTC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो IRCTC का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली में है IRCTC का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेस वॉज लॉन्च्ड टू फेरी रिच पैट्रंस फैंस फ्रॉम बॉम्बे टू पुणे एंड इज़ द फर्स्ट टू हैव लेडीज ओनली कार। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी एक्सप्रेस लॉन्च की गई थी जो कि फेरी रिच पैट्रंस यानी कि जो अमीर यात्री होते हैं उनके लिए लॉन्च की गई, और ये बॉम्बे टू पुणे, बॉम्बे से पुणे यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए लॉन्च की गई थी, और इसमें पहली बार लेडीज ओनली कार की फैसिलिटी दी गई है। तो इसका सही आंसर है डेक्कन क्वीन। तो डेक्कन क्वीन था उस एक्सप्रेस का नाम जो कि बॉम्बे टू पुणे के लिए स्टार्ट हुई थी फेरी रिच पैटर्न्स यानी कि अमीर यात्रियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन मुंबई सर्व्स एज द हेडक्वार्टर ऑफ विच जोन ऑफ इंडियन रेलवेज। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये मुंबई में है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। आपको ये बताना है कि हमारे इंडियन रेलवेज का कौन से जोन का हेडक्वार्टर है? तो इसका सही आंसर है सेंट्रल रेलवेज। तो सेंट्रल रेलवेज का जो हेडक्वार्टर है वह है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो कि मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एज पर द यूनियन बजट 2019-20। तो आपको बताना है कि अभी हाल ही में हमारा यूनियन बजट 2019-20 का लॉन्च किया गया था, तो बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया था? इसका सही आंसर है 17,000 करोड़ रुपीज़ का बेंगलुरु रेल प्रोजेक्ट को एलोकेट किया गया था अमाउंट, और ये यूनियन बजट 2019-20 में लॉन्च किया गया था। CBDT विच इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉस इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन विच ईयर। CBDT जो कि हमारे देश के जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं जैसे कि इनकम टैक्स है, वह डायरेक्ट टैक्स की लिस्ट में आता है। तो इसे जो एडमिनिस्ट्रेट करता है यानी कि जो इनकी देखरेख करता है वह CBDT करता है। तो आपको बताना है कि CBDT कौन से ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था? तो CBDT इस्टेब्लिश हुआ था 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था CBDT को, और ये डायरेक्ट टैक्स के जो लॉस होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे देश में। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स नोडल नेशन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन।
तो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो हैं, ये हमारे देश की जो नेशनल एजेंसी हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस, अभी तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट टैक्सेस, अब ये हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि हम देते हैं सेल्स टैक्स देते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स पे जीएसटी देते हैं, ये क्या है, ये है हमारे देश के इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिन्हें हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करने नहीं जाते हैं, लेकिन हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उनसे वह गवर्नमेंट तक पहुँच जाता है इनडायरेक्ट तरीके से। तो इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है और ये एक नोडल नेशन एजेंसी है। इसे कब फॉर्म किया गया था, इसका सही आंसर है 1964 में, 1964 में फॉर्म किया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स को। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो जीएसटी के अंडर काफ़ी रेट्स की स्लाइड्स हैं, ये आपको पता ही होगा, तो इसमें जो मैक्सिमम स्लाइड है वे कितनी है, यानी कि जीएसटी की मैक्सिमम रेट कितनी है इनमें से, तो यह है 20%, तो 20% है मैक्सिमम रेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, तो इसका सही आंसर क्या है, ए 20%। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द फर्स्ट बिम्स्टेक मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन सेप्टेम्बर 2018 की जो पहली बिम्स्टेक की मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, ये कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट की गई, ये 2018 के सेप्टेम्बर मंथ में हुई थी, तो ये होस्ट की गई हमारे भारत के द्वारा, बिम्स्टेक की जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई ये हमारे भारत में हुई, पहली थी ये 2018 में जो सितंबर में हुई। इन साइट मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय नासा टू एक्सप्लोर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम के कौन से प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के लिए, यानी कि कौन से प्लैनेट की और भी ज़्यादा जानकारी जानने के लिए नासा के द्वारा इन साइट मिशन लॉन्च किया गया, तो इसका सही आंसर क्या है, मार्स, तो सोलर सिस्टम के मार्स की जानकारी जानने के लिए नासा के द्वारा इनसाइट मिशन को लॉन्च किया गया था। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड इट्स 58th राइजिंग डे ऑन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 58th राइजिंग डे कौन सी डेट पे सेलिब्रेट किया गया, इसका आंसर है 7 मई 2018, 2018 की 7 मई को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा राइजिंग डे सेलिब्रेट किया गया 58th। अंडर विजन 2030 इंडिया इज प्लानिंग टू सेंड एन इंडियन एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस अंडर गगनयान मिशन बाय, तो आप लोगों ने पिछले साल एक न्यूज़ सुनी होगी कि 15 अगस्त 2018 का जो हमारे देश में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया 15 अगस्त को, उसमें हमारे देश के पीएम मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट की थी कि हमारा देश 2022 तक एक गगनयान मिशन लॉन्च करेगा, इस गगनयान मिशन में एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा जाएगा, ये गगनयान मिशन हिस्टोरिक मिशन है जो कि हमारे देश की इसरो लॉन्च करेगी 2022 में, इसमें एस्ट्रोनॉट को एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा जाएगा। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन रिकवर्ड बाय द गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ द बैंक्स एंड द, बैंक्स के फेवर में गवर्नमेंट के द्वारा कितना अमाउंट जो है वह रिकवर किया गया, इसका सही आंसर है 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ का अमाउंट बैंक्स के फेवर में, बैंक्स के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अमाउंट जो है वह रिकवर किया गया था। सिक्किम वॉज एडमिटेड एज अ फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, सिक्किम जो है वह कौन से ईयर में इंडियन यूनियन यानी कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक फुल फ्लेज्ड स्टेट यानी कि पूरी तरह से हमारे देश में कब शामिल हो गया था सिक्किम, इसका सही आंसर है 1975 में सिक्किम हमारे देश का पूरी तरह से पार्ट बन गया था। अगला क्वेश्चन है द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट कैन नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट इफ ही इज अ मेंबर ऑफ, हमारे देश का जो चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट का, तो वो चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कब पार्ट नहीं ले सकते, यानी कि वे इनमें से किसका मेंबर है तो वे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकते, इसका सही आंसर है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है स्टेट की, अगर चीफ मिनिस्टर हमारे देश के कोई सी स्टेट के अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं तो वह प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन क्या होते हैं,
डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं हमारे देश में, हम उन्हें चुन के नहीं भेजते हैं बल्कि उनके अलग से इलेक्शन होते हैं, तो चीफ मिनिस्टर उसमें पार्ट नहीं ले सकते। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट की होती है, अगर चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री उसके मेंबर हैं तो वह हमारे देश के राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें पार्ट नहीं ले सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरेटरीज हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, हमारे देश की ऐसी कौन सी यूनियन टेरेटरी हैं, इनमें से कौन सी यूनियन टेरेटरी है, याद रखिएगा इनमें ऑप्शंस में पूछा गया है, तो इनमें से कौन सी ऐसी यूनियन टेरेटरी है जिसका हाई कोर्ट है अपना, इसका सही आंसर है दिल्ली। हमारे देश की जो दिल्ली है उसका अपना एक लौता हाई कोर्ट है। अब एक और पॉइंट याद रखिएगा कि अब जम्मू एंड कश्मीर को भी आर्टिकल 370 हटाने के बाद में यूनियन टेरेटरी का दर्जा देने की बात की जा रही है, तो उसमें भी जो दिल्ली के अलावा अब जम्मू एंड कश्मीर का भी अपना हाई कोर्ट हो जाएगा। अब तक ये अटैक किसके पास था, सिर्फ दिल्ली के पास था जिसका अपना एक सेपरेट हाई कोर्ट था यूनियन टेरेटरी का, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर का भी होने वाला है। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी है, क्योंकि अभी ये लागू नहीं हुआ है, अभी बिल पास होने में टाइम है, तो अभी तक तो दिल्ली के पास ही अपना ओन यूनियन टेरेटरी है जिसका हाई कोर्ट है। द ट्री कलर फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज अनफ्लर्ड ऑफ द फर्स्ट टाइम इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में, कहाँ पे हुआ था वह सेशन और कौन सा सेशन था जिसमें हमारे देश का ट्री कलर फ्लैग जो है वह इंट्रोड्यूस किया गया था, ये था लाहौर सेशन 1929 का, जिसमें हमारे देश का पहली बार हमारे देश का जो झंडा है वह लहराया गया था, लाहौर सेशन 1929 का। हु वॉज द नेशनल लीडर हु रॉट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन द वॉल्स ऑफ द अंडमान सेल्यूलर जेल, अंडमान की जो सेल्यूलर जेल थी उसकी दीवारों पर हमारे देश के कौन से ऐसे नेशनल लीडर थे, हमारे देश के कौन से लीडर थे उनका नाम आपको बताना है जिन्होंने भारत का इतिहास ही जो है वह उस जेल की दीवारों पर लिखा था, इसका आंसर है वीर सरवाकर। वीर सरवाकर थे हमारे देश के वो नेशनल लीडर जिन्होंने भारत का इतिहास अंडमान सेल्यूलर जेल की दीवारों पर लिखा था। अंडर मॉलिमेंटो रिफॉर्म्स 1909 द सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी, इनमें से कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जिसके लिए मॉलिमेंटो रिफॉर्म्स में सीट्स रिजर्व करने की बात की जा रही थी, और ये मॉलिमेंटो रिफॉर्म्स 1909 में हुए थे, तो इसमें जो मुस्लिम्स कम्युनिटी है उनके लिए सीट्स रिजर्व करने की बात की जा रही थी मॉलिमेंटो रिफॉर्म्स 1909 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया दैट वॉज सेटअप इन द ईयर 1986, 1986 में जो पहला हमारे देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व सेट किया गया था यानी कि इस्टेब्लिश हुआ था उसका नाम क्या था, हमारे देश का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश हुआ था वह था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हमारे देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था और इसे 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें से ऐसा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे बायोस्फीयर रिजर्व की वर्ल्ड नेटवर्क की लिस्ट में शामिल किया गया है, बोथ बी एंड सी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व, ये ऐसे दो बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिन्हें वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज मोस्टली कन्फाइंड टू द रिवर बेसिन्स एंड द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, हमारे देश की ऐसी कौन सी सॉइल है यानी कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जो कि ज़्यादातर जो कोस्टल प्लेन्स या फिर रिवर यानी कि जो नदियाँ होती हैं या फिर बीच होते हैं तालाब होते हैं वहाँ पर पाई जाती हैं, तो यह है एलोवियल सॉइल। एलोवियल सॉइल है जो कि रिवर और कोस्टल एरियाज में पाई जाती हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एग्जिबिट द हाइएस्ट बायोडाइवर्सिटी, इनमें से कौन से टाइप का जो फॉरेस्ट होता है उसकी सबसे हाइएस्ट बायोडाइवर्सिटी होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हमारे देश की जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं उनकी सबसे हाइएस्ट बायोडाइवर्सिटी है, सैडल पीक
which is the highest point of the archipelago in Bay of Bengal is located in? Bay of Bengal, Dweep Samuhay ka jo highest point hai, highest peak hai, saddle peak, ye kahan pe located hai? To ye Bay of Bengal ke northern Andaman mein located hai. Northern Andaman ka sabse highest yani ki sabse bada point pe, sabse uchai par jo Dweep Samuhay located hai, jo ki saddle peak hai highest point, वह नॉर्दर्न अंडमान में है. वॉट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर फ्रॉम शट डाउन और पावरलेस स्टेट एंड सेटिंग इट टू नॉर्मल वर्किंग कंडीशन. जो एक शट डाउन यानी कि जो एक बंद कंप्यूटर होता है या फिर उस कंप्यूटर में पावर नहीं आ रही है तो उसे फिर से जैसा हम नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसे वापस से स्टार्ट करने के लिए या फिर उसे दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए इनमें से कौन सा प्रोसेस है, इनमें से कौन सा है जो किया जा सकता है? तो यह है कोल्ड बूटिंग. तो कोल्ड बूटिंग है जो कि करके कंप्यूटर को वापस से नॉर्मल कंडीशन में लाया जा सकता है. व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. तो जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग, कौन सा ऐसी टर्म है जिसे प्रयोग में लाया जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में? तो इसका सही आंसर है एन एल्गोरिदम. एल्गोरिदम होता है वह वर्ड जो कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रयोग किया जाता है. सुबीर विदल गोकरण पास्ड अवे एट द एज ऑफ 60. ही वॉज अ वेटरन. तो सुबीर विथल जिनका हाल ही में निधन हुआ है, 60 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है, तो इनका प्रोफेशन क्या था, ये कौन से प्रोफेशन से रिलेटेड थे? तो ये इकोनॉमिस्ट थे. तो इकोनॉमिस्ट थे सुबीर विदल जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है. वी जी सिद्धार्था हु डाइड रिसेंटली आफ्टर कमिटिंग सुसाइड वॉज द फाउंडर ऑफ. वी जी सिद्धार्था का हाल ही में निधन हुआ है और इन्होंने आत्महत्या की है. ये इनमें से कौन सी कंपनी के फाउंडर थे? तो ये जो फाउंडर थे ये कैफ़े कॉफ़ी डे के फाउंडर थे और काफ़ी कर्ज में डूबने के बाद हाल ही में इनका निधन हुआ है, जिनका नाम था वी जे सिद्धार्था. अगला प्रश्न है, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी एज अ डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ RBI टू रिप्लेस सुभाष चंद्र बोस. जो अपॉइंटमेंट कमिटी होती है उस अपॉइंटमेंट कमिटी के द्वारा RBI के डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डायरेक्टर कौन चुने गए हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है सुभाष चंद्र गर्ग को. तो अपॉइंटमेंट कमिटी जो है उनके द्वारा अतानु चक्रवर्ती को न्यू सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डायरेक्टर चुना गया है. RBI के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका न्यू डायरेक्टर चुना गया है अतनु चक्रवर्ती को और इन्होंने सुभाष चंद्र गर्ग को रिप्लेस किया है. यानी कि पहले सुभाष चंद्र गर्ग थे, उन्हें हटा के अतानु चक्रवर्ती को बना दिया गया है और ये नॉमिनेट किसके द्वारा किया गया? RBI की अपॉइंटमेंट कमिटी के द्वारा. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी. कौन से हैं इनमें से जो कि न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं, नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? राजीव कुमार हैं जो कि हमारे देश के न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं. एज़ पर द डाटा ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इंडिया रिसीव्ड द हाइएस्ट एवर FDI इनफ्लो इन 2018-19. द FDI इनफ्लो इन फाइनेंशियल ईयर 19 स्टूड एट. DPIIT के द्वारा ये बताया गया कि हमारे देश के द्वारा 18-19 में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है यानी कि जो बाहर की कंपनी हमारे देश में पैसा लगाती हैं, वे 2018-19 का सबसे ज़्यादा लगाया गया है. तो आपको बताने कि इसका अमाउंट कितना था फाइनेंशियल ईयर 19 में जो कि लगाया गया सबसे ज़्यादा पैसा आया, तो ये था $64.37 बिलियन, $64.37 बिलियन का हमारे देश में FDI आया है 2018-19 में. व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ द डील बिटवीन इंडिया एंड रशिया टू एक्वायर रशियाज R-27 ए टू एयर मिसाइल. रशिया की जो R-27 ए टू एयर मिसाइल है इसे भारत ने खरीदने के लिए रशिया और भारत के बीच में कितने पैसे का यानी कि कितने पैसों का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, हमारा भारत कितने पैसों में रशिया का आर
27 एयर मिसाइल को खरीद रहा है। तो यह 1500 करोड़ रुपए की डील हुई है, जिसमें R-27 को खरीदा जा रहा है हमारे भारत के द्वारा। इंडिया हैज लॉन्च्ड द इनिशिएटिव इनोवेटिंग फॉर क्लीन एयर इन पार्टनरशिप विद विच कंट्री, कौन सी कंट्री के साथ, कौन से देश के साथ साझेदारी करके हमारे भारत ने इनोवेटिंग फॉर क्लीन एयर, यानी कि जो हवा होती है उसे स्वस्थ, हमारे देश में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उसी के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया हमारे भारत के द्वारा। तो ये यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलके, यूनाइटेड किंगडम और भारत ने दोनों ने साझेदारी करके इनोवेटिंग फॉर क्लीन एयर IFCA एक लॉन्च किया, जो कि इनिशिएटिव था। 10 हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स टू बी ओपन फ्रॉम सनराइज टिल 9 PM, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट। आपको ये बताना है कि हमारे देश ने जो है वह 10 जो ऐतिहासिक स्मारक हैं उनको खोलने की टाइमिंग जो है वह 6 PM से 9 PM कर दी है, यानी कि पहले शाम के 6 बजे तक खुले रहते थे, लेकिन अब 9 बजे तक खुले रहेंगे 10 हमारे देश के हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स। तो उन 10 हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स में से इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि शामिल नहीं है? इसका आंसर है नन ऑफ दिस, यानी कि ये चारों ही मॉन्यूमेंट्स जो हैं वे उन 10 हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स में शामिल हैं। तो राजा रानी टेम्पल जो कि भुवनेश्वर में है, दुल्हा देव टेम्पल जो कि खुजराहो में है, शेख चिल्ली टॉम्ब जो कि कुरुक्षेत्र में है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो कि कर्नाटका में है, इन सभी को उन 10 हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स में शामिल किया गया है, जिनकी टाइमिंग अब 9 PM तक कर दी है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ हेरिडेटरी डिसीज, इनमें से कौन सी ऐसा डिसीज है, इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि हेरिडेटरी डिसीज नहीं है? इसका आंसर है लियोकेमिया। लियोकेमिया है वो डिसीज जो कि लियोकेमिया जो कि हेरिडेटरी डिसीज नहीं है। द बैक्टीरियम एस्चेरिचिया कोलाई इज फाउंड मेनली इन, एस्चेरिचिया कोलाई जो बैक्टीरियम है ये इनमें से किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि मेनली किस में पाया जाता है? तो यह है ह्यूमन इंटेस्टाइन। ह्यूमन इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरियम पाया जाता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आर करेक्टली पेयर्ड, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्टली मैच है। तो इसका सही आंसर है ओनली 3, यानी कि जो अनियन होता है ये बल्ब, अनियन बल्ब जो है ये करेक्ट मैच है, जिंगर ट्यूबर ये गलत मैच है, जिंगर जो है वह राइजोम और पटेटो जो है ये ट्यूबर, ये इसका करेक्ट मैच होगा, यानी कि जिंगर जो होता है ये जिंगर राइजोम पटेटो ट्यूबर एंड अनियन बल्ब, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सेफ्रॉन इज ऑब्टेंड फ्रॉम विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि पौधे के कौन से पार्ट में से सेफ्रॉन जो है वह पाया जाता है? तो स्टिग्मा, यानी कि प्लांट के स्टिग्मा से सबसे ज़्यादा सेफ्रॉन पाया जाता है। पैनक्रीज फंक्शंस एज एन, जो पैनक्रीज होता है वे फंक्शन कैसे करता है? तो यह एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो पैनक्रीज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करता है। पैनक्रीज जो है ये एक मिक्स्ड ग्लैंड्स होते हैं, पैनक्रीज एंड गोनाड्स, पैनक्रीज एंड गोनाड्स ये मिक्स्ड ग्लैंड्स होते हैं, और जो ये दोनों मिक्स्ड ग्लैंड्स होते हैं ये दोनों एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन होते हैं। लाइसर्जिक एसिड डाइथलेमाइड LSD इज अ ड्रग यूज्ड एज, यानी कि एक ड्रग का नाम है जिसका नाम है लाइसर्जिक एसिड डाइथलेमाइड। तो इस ड्रग का यूज़ हेलियोसिनेजन में यूज़ किया जाता है इस LSD ड्रग का यूज़। प्लांट्स विच आर एडेप्टेड टू ग्रो इन सॉइल्स कंटेनिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आर नोन एज, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं जो मिट्टी में बड़े होते हैं और उनमें सबसे ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी कि नमक का सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हेलोफाइटिस कहा जाता है उन प्लांट्स को। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल भी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको आने वाली वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो थैंक यू सो मच।